हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू एंड अदर व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मीनू और व्लॉग की तरफ से हैप्पी नवरात्रि। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि स्टार्ट हो चुके हैं और आज मैं जा रही हूँ मंदिर पे पूजा करने। तो फ्रेंड्स, घर में मैंने यहाँ पर पूजा कर दी है, घर पे अग्यारी की थी और अग्यारी करने के बाद मैं अब मैं जा रही हूँ, यहाँ पर दुर्गा माता का मंदिर है तो फ्रेंड्स वहीं पर जाके जल चढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं ना मॉर्निंग में उठी थी, मॉर्निंग में उठने के बाद मैं घर का काम किया था, घर का काम करने के बाद मैं फिर अपनी अग्यारी वगैरह मैंने वहाँ पर पूजा की थी और आज मैंने पहना है साड़ी येलो कलर का। तो फ्रेंड्स, पूजा में यही होता है ना कि अपना जो भी है साड़ी वगैरह पहननी चाहिए, क्योंकि ना पवित्र चीज़ें होती हैं ये, सब पूजा पाठ की चीज़ें होती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा इन चीज़ों को बहुत ध्यान में रखती हूँ। तो आज मैं यहाँ पर मंदिर पर आ रही हूँ, घर में काफ़ी टाइम हो गया था मैंने पूजा करने के। तो फ्रेंड्स, फिर भी मैंने कोशिश की थी कि मैं जल्द से जल्द कर लूँ, तो फिर भी टाइम हो जाता क्योंकि ना घर की सारी पूजा की तैयारी करनी होती है, माता का मतलब सारा सभी चीज़ें करनी पड़ती हैं तो उसमें भी टाइम लग जाता है। तो 9:30 बज गई थी मुझे घर की पूजा करने में। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर नवरात्रि के पूरे व्रत रखे हैं 9, तो मैं हमेशा से ही रखती आई हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम से, क्योंकि अगर मैं कभी कभी ये होता है कि चलो नहीं रहते हैं लेकिन मेरे से नहीं होता, क्योंकि मैंने हमेशा शुरुआत से ही नवरात्रि के व्रत रखे हैं तो मेरे से बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाता व्रत। और मैंने आज तक ये मान लीजिए कभी अपने व्रतों को भी ये नहीं है कि छोड़ा नहीं है, जैसा भी होता है पूजा मेरी भी जैसी श्रद्धा है, मेरे पे जितना हो पाता है माता के लिए तो मैं उतना अपनी तरफ से पूरा कोशिश करती हूँ। फिर भी ये कि माता रानी कोई भी गलती हुई हो तो क्षमा करें, और मैं यहाँ पर अपना पूरा कोशिश करती हूँ कि जितनी भी मैं अपना पूजा कर सकूँ सारी चीज़ें तो मैं करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर मंदिर में पूजा कर रही हूँ और सभी लोग यहाँ और भी आते हैं, क्योंकि ना 12 बजे तक का टाइम रहता है मंदिर खुलने का, तो कम से कम समय यही है क्योंकि फिर पट बंद हो जाते हैं, दरबार बंद हो जाता है 12 बजे से 4 बजे के बीच में मंदिर के पट बंद रहते हैं, क्योंकि भगवान को सुलाया जाता है तो वो सोते हैं, तो उससे पहले पहले सभी लोग जो है वो पूजा करके चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बस हम भी यही करते हैं कि ना 12 बजे से पहले पहले घर की भी पूजा हो जाए, मंदिर की भी पूजा हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसीलिए ना सारा काम छोड़ के सबसे पहले की थी अपने घर की पूजा और उसके पहले फिर यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, मैंने जो जल लेकर आई थी घर से वो मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया है, तो जो टंकी लगी हुई थी उसमें पता नहीं क्या हो गया था, फिर वहाँ पर पानी नहीं आया तो मंदिर के जो पंडित जी हैं वो गए थे फिर कहीं से पानी लेकर आए हैं, वहाँ से मैंने उसमें से ही जल लिया था। अभी मैं ना उन सूर्य नारायण को जल चढ़ा देती हूँ कि 2 लोटे हो जाते हैं, एक हो जाता है माता रानी का, तो वो मैंने चढ़ा दिया था। फिर यहाँ पर मंदिर पर चढ़ाया था, एक सूर्य नारायण का हो गया। तो फ्रेंड्स, सूर्य नारायण को हमेशा जल चढ़ाना चाहिए, तो मैं वैसे भी अपना नहाती हूँ पूजा करती हूँ तो मैं हमेशा जल चढ़ाती हूँ। तो फ्रेंड्स, वही मैंने यहाँ भी किया है, तो यहाँ पर ना मैं पूजा कर ली है, दिव्यांश मेरे साथ में। तो फ्रेंड्स, पूजा करने के बाद मैं अब जा रही हूँ, तो घर आ गई हूँ फ्रेंड्स। तो घर आने के बाद मैं, क्योंकि ना बच्चों का तो फास्ट नहीं है, हम लोगों का फास्ट है, तो दिव्यांश को मैं यहाँ पर ना खाना खिला देती हूँ। शीजल है, शीजल भी खाना खा रही है, अनन्या भी खाना खा रही है, दिव्यांश को भी, तो यहाँ पर बनाई थी दाल, तो दाल के साथ में मैं यहाँ पर ना बच्चों को खाना खिला दी। तो दिव्यांश की तो आदत आप लोगों को पता ही है कि वो अपने हाथ से खाना नहीं खाता है, अगर उसके भरोसे आप छोड़ भी दोगे ना कि खाना खाने के लिए, तो अगर आप ना उसको आधी रोटी भी रखोगे तो मॉर्निंग से लेके शाम हो जाएगी लेकिन उसका खाना ख़त्म नहीं होगा, खाना रखा ही रहेगा। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि ना उसका पहले पेट भरने के बाद में ही बाकी का मैं काम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पर घर पर, तो अपने कपड़े वगैरह मैंने यहाँ पर ना, कोई पूजा करने से पहले मैंने कपड़े नहीं धोए थे कि ना ये होता है कि थोड़ा सा पूजा पाठ जब करते हैं तो मैं फिर कपड़े बाद में धोती हूँ पूजा करने के बाद में, तो मैंने ना अपना पूजा कर लिया था, सारा काम मेरा ये मान लीजिए हो गया है, तो बस फटाफट से अब कर लेती हूँ मैं अपने घर के काम की शुरुआत। चैनल पर कोई भी न्यू है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना जिससे कि आप लोगों को नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, जाइए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट भी थी कि आप साड़ी में व्लॉग लेकर आइए। तो फ्रेंड्स, मेरा यही हो जाता कि साड़ी का बहुत कम होता है कि मैं साड़ी नहीं पहन पाती हूँ, क्योंकि ऐसा कोई टाइम नहीं आ पाता है,
तो या तो कोई फेस्टिवल वगैरह होता है या फिर कोई पूजा पाठ का पर्व होता है, मैं उसी समय में ज़्यादा से ज़्यादा अपना साड़ी का यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना यही है जो मतलब पूजा होती है वो होती है, तो हमेशा अपना यही है कि साड़ी वगैरह में ही करनी चाहिए, क्योंकि एक मैरिड लाइफ होती है तो उसके बाद में अपना ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं ना पूजा होती है, कुछ भी होता है, तो हमेशा मैं उसमें साड़ी वगैरह पहनती हूँ, जो भी श्रृंगार का होता है वो सारी चीज़ें करती हूँ। अदरवाइज़ तो मैं साड़ी वगैरह बहुत कम पहनती हूँ, सूट सलवार या फिर जीन्स होते हैं, कोट ट्राउज़र होता है, टॉप होता है, वैसी चीज़ों को मैं अपनी डेली वेयर में यूज़ करती हूँ। लेकिन काफ़ी टाइम पहले भी आप लोगों कितने सारे कमेंट थे, तो मैंने बोला भी था कि मैं नवरात्रि में आप लोगों के साथ मैं साड़ी का ब्लॉग शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सुखा दिए हैं सारे कपड़े, तो मेरा सूट वगैरह था और दिव्यांश का था, तो मैंने यहीं पर सुखा दिया, क्योंकि इसमें इतना स्पेस तो नहीं है बालकनी में कपड़े सुखाने का, फिर भी यहाँ पर एक दो रस्सी बंधी हुई है, तो उसी पर मैंने यहाँ पर अपने कपड़े सुखा दिए। बाकी का ये कि हाँ, अगर कपड़े सुखाने हैं तो उसके लिए ना हम लोगों को फिर बाहर जाना पड़ता है, तो बाहर तो फिर मैंने नहीं, क्योंकि ना ऐसा भी नहीं है कि नहीं सूखेंगे, तो अपना यहाँ ना धूप आ जाती है तो मॉर्निंग से अपना रात तक सूख जाएंगे आराम से। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ना अपने बाल बना लेती हूँ, तो ना थोड़ा सा इसमें ब्लर हो रहा है, क्योंकि ना ब्राइटनेस बाहर की बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए थोड़ा सा ब्राइटनेस उसमें पड़ रहा है, कभी कभी ब्लैक हो जाता है, कभी ऐसा भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस पर जो मतलब कि मैंने सिंपल साड़ी चूज़ की थी, तो ये मुझे काफ़ी पसंद आई थी, और एकदम प्लेन है, इसका बॉर्डर है, मिरर का वर्क इसमें हो रखा है, वो मुझे बहुत ही प्यारा लगा था, इसका ब्लू कलर का, इसकी जो लगी हुई है साथ में मिरर का वर्क है, एकदम प्लेन है, इतनी सिंपल साड़ी है, इतना हल्का कपड़ा है इसका कि बहुत ही ज़्यादा, तो मुझे ये पहनने में भी काफ़ी कंफर्टेबल थी, तो इसलिए मैंने पहना था जिससे कि ना तो पूरा दिन अपना इसको मैं आसानी से पहन सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना।